नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता हाजी समीम साबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जो वर्तमान की सरकार है, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को बांटने का काम किया है। आपको बता दें, वरिष्ठ नेता हाजी समीम साबरी ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में अपने कार्यालय कलियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को बांटने का काम किया है, जिससे बहुजन समाज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। वहीं समीम साबरी का कहना है कि बहुजन समाज के नेतृत्व में माननीय काशीराम ने घर घर जाकर बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया था। उसी को देखते हुए आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज के लोगों को आगे लाकर सभी को ऊंची श्रेणी में लाने का काम किया है। वही वरिष्ठ नेता हाजी समीम साबरी का कहना है कि अगर आने वाले समय में हमारी सरकार आती है, तो गरीब लोगों को रोजगार और किसानों को उनका पूरा मुआवजा, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं की उन्नति पर हमारी सरकार काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। संविधान बनाकर उन्होंने जो है हमें हमारे हक हकूक दिए और सभी को बराबर का दर्जा दिया, जिसमें उन्होंने हमें एक नारा दिया कि भाई जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उसका अधिकार। आज हम बहुजन में जन्मे 85% लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हमारे जो अधिकार हैं वो सीमित कर दिए गए। जो हमारा संविधान बना था, उस संविधान के आधार पर हमको हमारे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। जब हमारे बाबा साहब इस दुनिया से चले गए, संविधान को बचाने के लिए हमारे माननीय काशीराम जी गांव-गांव गलियां-गलियां घूमकर हम लोगों को उन्होंने जागरूक किया, बहुजन समाज के लोगों को जागरूक किया और हमारे अधिकारों के बारे में उन्होंने बताया और लोग जागरूक भी हुए। जिसमें आपने देखा होगा, जब एक बार बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए, हमारी यूपी के अंदर सरकार भी बनी, लेकिन सरकार बनते के साथ ही माननीय काशीराम जी दुनिया से चले गए और जो सत्ता की चाबी थी वो गलत हाथों में चली गई। सत्ता की चाबी जब गलत हाथों में चली गई, उन्होंने हम लोगों को बेचने का काम किया, बहुजन समाज के लोगों को, और उस वजह से आज हम पिछड़ते चले गए। उसी आवाज को उठाने के लिए जब माननीय काशीराम जी का जो नारा था कि भाई जिसका जितना हिस्सेदारी, जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी, उस चीज को खत्म करते जा रहे थे। जो आज 15% सरकार में बैठे हुए हैं, ना तो हमको सरकारी नौकरियों में हमारे लिए जो जितनी हमारी जनसंख्या उतना कोई आरक्षण दिया जा रहा है, ना हमें हिस्सेदारी दी जा रही है। तो उस आवाज़ को उठाने के लिए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया, वो आप लोग भी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया और वो आज हर जगह आप लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन बहुजन समाज के लोग 85% जो हम यहाँ रहते हैं इकट्ठा हो गए, तो हर जगह आपका झंडा फहराया जाएगा। आपके समाज में से, बहुजन समाज के लोगों में से ही एक हमारा दिल्ली के अंदर जो झंडा फहराया जाएगा, बहुजन समाज पार्टी का आदमी ही आपके बीच में से फहराएगा। और जो आजाद समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने जो है एक जो मिशन चलाया है कि हम गांव-गांव घूम घूम करके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बहुजन समाज के बीच में से ही हम अपना आदमी निकालेंगे जो पूरे देश के ऊपर राज करेगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग जागरूक हो, आप लोग जो है अपने हक हकूक को समझें, अपनी ताकत को समझें, अपनी वोट के अधिकार को समझें और जो है जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपके बीच आपकी लड़ाई के लड़ते लड़ते जेलों के अंदर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करें। जो उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाई, आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य बने, उसमें जुड़े और जो है उससे जो है गरीब मजलूम लोगों का भला होगा।
आप लोगों की गरीबों की सरकार होगी, आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि कोई शासक चला रहा है या आप चला रहे हैं। बिल्कुल हम वादा करते हैं आजाद समाज पार्टी की तरफ से कि जो है आप लोगों की सरकार बनने के साथ ही आपको अपनी ताकत का एहसास होगा, और जो 15% लोग हैं हम जो है इन जो नाकारा लोग बैठे हुए हैं इनको जो है खदेड़ना काम करेंगे। आप लोगों की सरकार होगी, आपको अपनी ताकत का एहसास होगा, तो दोस्तों आइए और आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़िए। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।